सो हाय गाइस, वेलकम बैक, स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अभी हमें राजेंद्र नगर और मैं तलाश कर रहा हूँ ऐसे दोस्तों की जो दिवाली पार्टियाँ करते हैं, क्योंकि हमें तो जो दोस्त मिले हैं वह जो दिवाली में कर्जों में घुसे रहते हैं, किसी का फोन गिर भी पड़ जाता है। मैं कह रहा हूँ वो दोस्त कहाँ मिलते हैं जो दिवाली पार्टी करते हैं, तैयार व्यार होके जाते हैं, लड़कियाँ होती है, पार्टियाँ चल रही है, हमारे दोस्त देख किसी का फोन गिर भी हो जाता है दिवाली में, कोई कहता है आवाज करवा दे, कोई फरार हो जाता है कहीं पे, भैया कोई किसी की कटिंग करने में लगा हुआ ताश में। तो समझ नहीं आ रहा कि हमारी क्या कमी रह गई, हम प्राइवेट स्कूल नहीं गए या क्या नहीं हुआ, जो ऐसे दोस्त नहीं हुए। दिवाली पार्टी कार्ड्स पार्टी कहाँ पे, मेरे को भी ले चलिए भाई, दिवाली पार्टी में जब जाऊँगा ताश खेलूँगा, बैठ के आराम से कुर्ता वर्ता पहन के, वो लाइटें वाइटें लगी हो, वही सीन है। सो शायद मैं जा पाऊँ सुखे के साथ, फिर देखते हैं क्या सीन होता है। बाकी कहीं ना कहीं तो अपने दिवाली में तो लगी सीन होती है, जो तुम्हें पता है बचपन में समझाते नहीं थे, वो ऐसे में लिखते थे ताश खेलने वालों से दूर रहे गंदे लोगों से, वही गंदे लोग बन गए हम। पर मैं नहीं हुआ, गाओ डाइट लो, इंजॉय करो। तो भाई राजेंद्र नगर में जिस भाई को डाइट पूरी करनी होती है इसके पास आ जाएगा, तो पोहा खिलाएगा, डाइट वाला। क्या नाम है तेरा? अशोक यादव। नाम है कहाँ पे आई तेरी दुकान? मिठाई ग्रोवर वाले के बाहर। ये ग्रोवर मिठाई वाला है राजेंद्र नगर में ना, उसके बिल्कुल बाहर आएंगे तेरे पे, अब तू फेमस हो जाएगा। गाइस मील टू एग वाइट्स, इसके बाद कार्ब्स के लिए कुछ लेके जिम चलते हैं और तगड़ा सा वर्कआउट करते हैं। तो ठीक है भाई, वो हो रहा है जिम का टाइम और जिम ना दोगे तैयार हो गया, साथ ही साथ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील भी रख लिया हमने इसमें डाल के। पोस्ट वर्कआउट मील में क्या है, अपना परफॉर्मेंस वे। अब इसमें आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिलता है, मसल बूस्टर ब्लेंड मिलता है साथ में, जैसे कि सफ़ेद म्यूसली वगैरह हो गई। एटम का प्रोडक्ट है, आपको पता है बजट फ्रेंडली होगा, साथ ही साथ क्वालिटी बहुत हाई होगी। आपको आइसोलेट और वे कंसंट्रेट का ब्लेंड मिलेगा जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी हो जाता है। ये माइक्रो फिल्टर करके बनाया गया, जिससे आपको जो इसका टेक्सचर मिलेगा, इसकी मिक्सिबिलिटी मिलेगी वो बहुत ही बढ़िया मिलेगी। फ्लेवर्स इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कुकी डिलाइट है और पिस्ता फ्लेवर है। नीचे लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक अपने भाई का कूपन कोड RU66 लगाओ। इसमें आपको जैसे कोई बंदा गेनिंग वगैरह में, जिसको ज़्यादा वो नहीं है कि काब्स ज़्यादा नहीं खाने कम नहीं खाने, तो इसमें आपको कैलोरी इनटेक पूरा करने के लिए काब्स भी मिलते हैं 13 ग्राम। तो आप इसको प्री वर्कआउट मील में भी कभी यूज़ कर सकते हो या पोस्ट वर्कआउट मील में, जब भी आपके दिन में एडजस्ट हो रहा है, आपके मैक्रोस में एडजस्ट हो रहा है, तो आप इसको ऐड करो और बढ़िया सी बॉडी बनाओ। एटम के प्रोडक्ट्स है, आपको पता है थर्ड पार्टी लैब टेस्टेड होते हैं, GMP सर्टिफाइड होती है, कोई भी हैवी मेटल यूज़ नहीं होता और जितना प्रोटीन लिखा होता है उतना आपको मिलता है। तो अब चलते हैं जिम, पोस्ट वर्कआउट मील लेके फिर उसके बाद वर्कआउट करते हैं बढ़िया सा। वैसे लेग्स का प्लान था बट अब बैक पे शिफ्ट हो गया, क्योंकि हफ्ते में एक बार लेग्स करो, फिर अगले हफ्ते ठस करो, फिर अगले हफ्ते लेग्स करो। सो गाइस वर्कआउट तो हो गया मेरा और मैं अभी यहाँ पे आ गया था नीचे। ये रहा आशिक बहन का लंड, वो तो दे जैकेट तो दे भाई, ये ऐसे गंदे दोस्त होते हैं ना ये, गंदे दोस्त नीचे मेरे को अकेला खड़ा करके बंदी से फोन पे लगा पड़ा है, मेरे को फील करा रहा है कि मैं लोन ली हूँ। पर प्यार नहीं है ना, फर्क समझ। सही बात है देख रहे भाई, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो और आपकी बंदी आपको लव यू भाई आउट ऑफ नोवेयर रात को 12 बजे लव यू, तो समझ जाओ किसी और ने प्यार जता दिया तुम्हारा मतलब किसी और ने प्यार जता दिया तभी उसे तुम्हारा प्यार याद आ गया, समझ जाओ। लॉन्ग डिस्टेंस में रहो मत, लव यू तो नहीं कह रही, लव यू तो नहीं कह रही, अब पता लग रहा तेरे को वही कह रही है। मैं तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बिना एक्सपीरियंस के कुछ बात नहीं करी भाई, मेरे फैक्ट और एक्सपीरियंस के अलावा कोई बात नहीं करता वो बोलता है अपना तजुर्बा। हाँ भाई, तो आज के व्लॉग में हम करेंगे Q&A। मैंने आपसे इंस्टा पे कहा था कि YouTube Q&A हो जाए एक, तो आप कह रहे थे, क्योंकि बहुत ऐसा होता है भाई रिप्लाई वगैरह कर नहीं पाता, तुम्हें जो चीज़ें पूछनी होती है तुम दिमाग में रखी रखते हो और जब किसी को देख रहे हो, जैसे आप मेरा उस टाइम इतना आता है कि मतलब मेरे को नहीं लगता किसी का आता होगा टचवुड, क्योंकि बहुत देखते हो तुम, एक वीडियो देखते हो तो 10-10 देखते हो, तो बंदे को देखते हो फिर उससे ऑब्सेस्ड हो जाता है बंदा, फिर कहता है भाई उसके बारे में ये जानना है वो जानना है, उबासी का ले रहा भाई बोर कर रहा हूँ। तो क्वेश्चंस सारे यहाँ पे हैं, मैं पूछ एक एक करके बोलता हूँ और पूछता हूँ। व्हाट वाज योर मेजर रीजन टू स्टार्ट यूट्यूब? भाई ऐसा कुछ रीजन मेजर नहीं था,
YouTube स्टार्ट करने का मैंने पहली ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाल दी, क्योंकि स्टार्टिंग से मेरे को वीडियोस वगैरह डालने का शौक था। ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो डाली अपनी, मैंने कहा चल जिम विम करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लोगों की वायरल होती थी तब, तो मैंने अपनी डाली, उस पर 200 व्यूज़ आए सबको भेज भेज के व्हाट्सएप पे। फिर मैंने एक व्लॉग बनाया, उस पर भी कुछ व्यूज़ नहीं आए। फिर मैं डालता गया, फिर मेरे को चुल हो गई कि यार मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, मेरे को बड़ी वो हो जाती कि भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं हो रहा। फिर बीच में गैप आता था, महीने में कभी एक वीडियो बना लेता था, कभी दो बना ली, कभी तीन बना ली, कुछ ऐसा मेजर रीज़न था नहीं। फिर धीरे धीरे मेरा कॉलेज खत्म हो गया, फिर मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूँ, जॉब तो कर नहीं सकता, डैडी कह रहे कुछ काम ढूंढ ले काम ढूंढ ले, मैंने कहा काम भी नहीं कर सकता, मैंने कहा डैडी एक कैमरा दिला दो यार, क्योंकि खर्चा करा दूंगा, घर वालों का चुल होती है ना किसी में खर्चा कर, जैसे डॉक्टर के पास जाओ दवाई लो फिर आराम आ जाता है, ऐसे केमिस्ट से लेके नहीं आता, क्योंकि डॉक्टर को बहन चो पैसे देने होते हैं, तो वो वाला खर्चा करा दिया मैंने। फिर मैंने कैमरा उठा के व्लॉग बनाने स्टार्ट कर दिए, फिर आप लोगों का प्यार मिलता गया, और ऐसे ही था। मेजर रीज़न अगर बोलूँ तो ये था कि मेरे को यार कुछ फेमस होना था, कुछ करना था, चुल होती है ना सब में फेमस वेमस होने की। ब्रो समटाइम्स यू लुक लाइक प्ले बॉय भाई, नहीं ऐसा लगता है लोगों को कि मैं प्ले बॉय हूँ, बट नहीं हूँ यार मैं, मेरे को पता है, मेरे को पता है। मैंने टच वुड आज तक किसी लड़की, प्ले बॉय वो होता है जो झूठे वादे करके लड़की के साथ कुछ कर रहा हो या ऐसा कर रहा हो, हम तो यार झूठ ही नहीं बोल सकते किसी से। नॉर्मली पूछ रहे थे कि आप फीलिंग्स में हो तो ठीक है, वो भी अलग है, मैं झूठ बोल के किसी से कुछ नहीं कर सकता, मेरी वो भी इंटेंशन नहीं रहती कि मैं किसी को बोलूं कुछ और करूं कुछ, वैसा बंदा मैं नहीं हूं, क्योंकि परवरिश वैसी अपनी। दूसरा, योर एज ब्रो एंड आर यू गे विद योर फ्रेंड्स, हैं मतलब ये क्या भाई, मतलब कोई मीठे वाली हरकतें अपने दोस्तों के साथ, भाई वो हंसी मजाक में जैसे कर लेते हैं, बट हमसे ज्यादा स्ट्रेट कोई नहीं है, हमें कोई असली गे दिख जाता है, असली मीठा दिख जाता है, हमको डर लगता है, हम भागते हैं उससे दूर, तो हम तो बहुत स्ट्रेट है। तुसी केड़े पंजाबी हो, छाछी या हजारे आले या फिर जट? भाई हम हिंदू पंजाबी है, जो घर पे सारे पंजाबी बोलते हैं, हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं, वोवले पंजाबी है, पर हमारी फैमिली में कोई सरदार नहीं है, हम वोवले पंजाबी है। अब मेरे को नहीं पता ये कौन से होते हैं। हाउ टू गेट स्पॉन्सर्स फॉर माई यूट्यूब, भाई आपको अगर स्पॉन्सर चाहिए तो आपके पास ब्रांड खुद आएगी, ये गलती कभी भी मत करो कि आप ब्रांड के पास जा रहे हो। अगर आप फेमस हो, आप ब्रांड को लगता है कि, क्योंकि उन्होंने बंदे बैठा रखे होते यार, उन्हें पता है अगर तुम उन्हें बिजनेस दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, तो ब्रांड आपके पास खुद आएगी। आप गलती करोगे अगर खुद ब्रांड के पास चले जाओगे, आपकी वैल्यू गिर जाएगी, वो कहेंगी इनको तो काम चाहिए, तो वो खुद ही ऐसे होता है। मेरा जो था, मेरे पे पहले धीरे धीरे एक बार्टर का आया, वो कह रहे बार्टर कर लो, मैं खुश, मैंने कहा भाई फ्री में प्रोटीन मिल रहा है और क्या चाहिए। फिर उसके बाद एक कंपनी आई, उसने मेरे को 2500 रुपये महीने में रखा और मेरे से 3 रीले डलवाती थी, इतनी गंदी कंपनी थी, बट नाम नहीं लेंगे। फिर धीरे धीरे मेरे को कहीं से एक क्या कहते हैं हॉर्लिक्स का कोलैब आया था, तो मैंने कहा यार करना तो है नहीं, इसमें शुगर होती है, तो मैंने मजे मजे में उन्हें बोल दिया 20000 रुपये लूंगा, वो कह रहे ओके। फिर मैंने कहा यार ये क्या, मैंने 20000 रुपये ले लिया, क्योंकि फिर मैंने कहा कर लूंगा 20000 लेके। फिर मैंने क्या कहते हैं व्लॉग में बता दिया था कि भाई वो खरीदना मत, और प्रमोट कर दिया था। तो ऐसे धीरे धीरे फिर करते करते, जैसे आपने एक इस पे करा, तो मेरे को पता था कि 10000 में मेरे को अगर 20000 रुपये मिले हैं 10000 फॉलोअर्स में, तो जब मेरा यूट्यूब होगा तो उस पर पैसे मिलेंगे। फिर जैसे कभी मेरे पास मंथली स्टैक नहीं होता था, कोई कंपनी आती थी, मैं उससे 5-10000 रुपये में भी करके अपना स्टैक मंगा लेता था, क्योंकि वो एज आ गई थी कि घर से पैसे ले नहीं सकते थे, काम कुछ करना नहीं था, इसी के थ्रू मैं अपनी खुद करी जा रहा था। जिम का कोलैब आ गया था फिटनिटी का, मैंने कहा मेरा जिम फ्री कर दो, मैं आपकी वीडियोस डाल दिया करूंगा। तो ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे तुम्हारा भाई अच्छा करना स्टार्ट कर गया, धीरे धीरे समझ आई, फ्रेंड सर्कल सारा वो था, कोई दोस्त मिले वो कह रहे भाई तू कम पैसे लेता इतने लिया कर, तो धीरे धीरे खुद ब्रांड आती है, आप खुद मत जाना, आपके दोस्त यार आपको समझा देंगे। और स्टार्टिंग में ये गलती मत करना कि आप बहुत कम रेट बोल दो, किसी इन्फ्लुएंसर से पूछना अपने फ्रेंड सर्कल में कि भाई कितना रेट बोलूं अगर ये ब्रांड में कोई ये कह रही है, एक रील के कितने बोलूं। अब इनके लिए तो बढ़िया हो गया था, जब मैं मेरे को नॉलेज हो गई थी तो मैं इनको बताने लग गया था, बट मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, मैंने बहुत कम कम रेट में बहुत ज्यादा ज्यादा काम करा स्टार्टिंग में। दूसरा, आपने अपनी ब्रेकअप वाली वीडियो में बताया था कि आपके दोस्त कैसे गद्दार निकले, उनसे दोस्ती टूटने के बाद आपने कभी उनसे बात करी? भाई मेरा एक रूल है, मैं दोस्ती नहीं तोड़ता, और अगर मैंने तोड़ दी फिर मैं बात नहीं करता। आपको भी पता होगा, कोई पहले अगर तुम्हें व्लॉग में कोई बंदा दिखता होगा, या मेरी लाइफ में जब मैं सोशल मीडिया में नहीं था तब कोई बंदे थे, उनसे अगर मेरी एक बार बात खत्म हो गई, मैं इतनी इजीली गिव अप नहीं करता, बट एक बार बात खत्म हो गई तो खत्म हो गई, मैं उसके बाद बात नहीं करता, क्योंकि जो बंदा एक बार तुम्हारी गांड फाड़ सकता है वो दूसरी बार भी फाड़ने में शर्माएगा नहीं, और मैं अंधा ट्रस्ट उस बंदे पे दोबारा कर नहीं पाऊंगा जिसने एक बार मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया। तो मेरे साथ तो ऐसा है भाई, रेगुलर व्लॉग डाला करो, हमें आदत हो गई आपके व्लॉग की, थैंक यू सो मच भाई सबसे पहले तो आदत डालने के लिए। बाकी मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ, डेली ही कुछ ना कुछ शूट करता हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं रिपीटेड चीज तुम्हें दिखाऊँ। अगर मेरे को व्लॉग में खुद मजा आता है मैं वही अपलोड करता हूँ, मैं ये नहीं कि ऐसे बैठ के कुछ भी बोल रहा हूँ और वो डाल दूँ, पहले मजा आना चाहिए तभी वो डालते हैं। स्किनी लोगों के लिए गाइडेंस, भाई खाओ, सप्लीमेंट भूल जाओगे कुछ भी होता है, पहले खाओ, अपनी डाइट वाइट पूरी करो, उससे तुम्हें रिजल्ट्स मिले, उसके बाद क्या कहते हैं
उस पर ध्यान दो और आइसोलेशन मूवमेंट्स वगैरह पे इतना ध्यान मत दो, जाते हो तो कंपाउंड मारा करो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में अपनी वो करो सारा। हेयर रूटीन कुछ नहीं है भाई, साबुन से सर धो लेता हूँ तो बाल खड़े रहते हैं, वैक्स वगैरह लगानी नहीं पड़ती, और मैं वैक्स वगैरह इन सबसे बहुत दूर रहता हूँ क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है ये चीज़ें लगाना सर पे। और हॉरर व्लॉग पार्ट टू जल्दी आएगा। अगर इस वीडियो में कितने लाइक, नॉर्मली कितने आते हैं पता नहीं, 40,000 लाइक आ गए तो हॉरर व्लॉग बनाने चले जाएंगे उसी दिन, ठीक है लाइक कर दो फटाफट। दिन में कितनी बार मुंह मारते हैं, ये सब चीज़ें छोड़ दी भाई। हाउ टू इंक्रीज हाइट भाई, अगर ये पता होता तो ये होगा, दोनों 6 फुट के होते, दोनों 6 फुट के होते, वही तो कह रहा हूँ भाई। जिम वाली लड़की का फेस रिवील कब करोगे? जिम वाली लड़की कौन है समझ जा भाई, उसके साथ तो जिम जाना ही बंद हो गया, फेस रिवील कहाँ से करे अब। नजर लग जाती है लोगों को, इसलिए कहते हैं कीप इट प्राइवेट अंटिल इट्स परमानेंट। मूव ऑन की प्रो टिप, स्टे बिजी और अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो, वो थोड़ा बहुत तो लोनली फील होएगा क्योंकि इंसान हो। क्या क्वेश्चन क्या था? मूव ऑन की टिप, थोड़ा बहुत तो फील होता ही है क्योंकि इंसान हो, रोबोट नहीं हो, फील होना ही पड़ता है वो सब भाई। व्लॉग एडिट कौन से ऐप से करते हो? भाई मैं इन शॉर्ट नाम का ऐप है उससे व्लॉग एडिट करता हूँ, मेरे व्लॉग्स में एडिटिंग नहीं होती, मैं बिल्कुल रो रखता हूँ, जो चीज काटनी होती है जिसकी वजह से पुलिस केस ना हो जाए बस वो चीज काटता हूँ और डाल देता हूँ। जिम भी करते हो, जंक फूड भी खाते हो, फिर भी आपकी बॉडी मस्त रहती है कैसे? भाई मेरी बॉडी ऑलरेडी अच्छी है, ठीक है, उसके बाद मैं जंक खाता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं जंक खा के लीन हुआ, उसके बाद मैं जंक खाता हूँ और जो मैं खाता हूँ तुम्हें दिखाता हूँ, बट थोड़ा बहुत मैं क्लीन भी खाता हूँ, मेरी 2-3 मील क्लीन भी होती है और जंक भी खाता हूँ तो थोड़ा दिमाग से चलता हूँ मैं, शुगर वगैरह अवॉइड करता हूँ तो रह लेती है यार मेरी बॉडी, और बॉडी बॉडी पे होता है। वर्कआउट अच्छे करता हूँ, इंटेंस करता हूँ भाई, बंदी बंदी कुछ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है भाई। लव यू टू सबको। फोन देते हैं अपना तो मुझे फ्लैश लाइट मारनी है भैया। किसी लॉन्ग रोड ट्रिप पे जा रहे हो दिल्ली गैंग के साथ? भाई जल्दी प्लान कर रहे हैं, अभी शायद मुंबई आऊँ मैं, शेरू क्लासिक में आऊँ ना आऊँ जल्दी बताओ नीचे कमेंट करके। दूसरा एक भाई ने अपनी फोटो भेजी है ये देखो। और बॉडी काउंट रियल लैला, यार गिनने यार लैला के दादे का क्या नाम है और एज भी, क्या नाम है भाई दादा का? वीराम है भाई। एज 93 होगी। अबे लोड़े पड़ गए। मैंने कुछ कहा है? व्हाट्स योर पेनफुल डे स्टोरी? आरुष भाई आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन? वो यहाँ नहीं बता सकते। सबसे अच्छा दिन, हाँ भाई मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था 1 साल पहले जब मैं मीटअप करके घर आया था, और घर आते ही मम्मी डैडी दोनों जफ्फियाँ डाल रहे थे, पपिया दे रहे थे, हाँ तो वो था सबसे अच्छा दिन, की लग रहा था कि हाँ चलो घर वाले मेरी वजह से खुश हो रहे हैं। दूसरा सबसे अच्छा दिन था जब मेरी अच्छी पेमेंट आई थी, और तब भी घर वाले जफ्फिया पपिया, जब घर वाले यार प्यार से वो कर दे वही अच्छा दिन है। आरुष भाई सबसे बुरा दिन? अभी रिसेंटली गया है? नहीं रिसेंटली कोई नहीं, सबसे बुरा दिन वो तो छोटे मोटे है भाई, सबसे बुरा दिन वो था जब मेरे ताया जी एक्सपायर हुए थे, तो वो बहुत बुरा लगा था क्योंकि कोई फैमिली मेंबर चला जाता है, और रिसेंटली फूफा जी, वो दोनों बहुत दिन बुरे थे, कोई हमेशा के लिए चला जाता पूरी ज़िंदगी अब दिखेगा नहीं, मतलब हमने जितनी भी ज़िंदगी जीनी है कभी उन्हें देख ही नहीं पाएंगे, तो वो सोच सोच के मत्था सनकता है। बीएड क्यों नहीं ग्रो करते आप? भाई मेरे को क्लीन शेव रहने की आदत इतनी गंदी लगी है ना, मेरे को हल्की सी बीएड आती है मैं फटाफट काटता हूँ, फटाफट वो सब करता हूँ। इसको काट यार, फोन आ रहा था। दूसरा, आर यू गोइंग टू स्टार्ट सम स्किल्स लाइक स्किट्स लाइक लैला बदमाश? नहीं भाई मैं स्किट्स वगैरह नहीं करूँगा, मेरे को व्लॉगिंग में ही मजा आता है, बट मेरे को कभी कभी लगता है कि भाई व्लॉग के अलावा भी कुछ करूँ, बट मैं सोचता हूँ क्या करूँ, फिर मैं कहता हूँ व्लॉग ही ठीक है। फेवरेट सिंगर? भाई मेरा ना कोई फेवरेट नहीं है, मेरे को जिस बंदे का काम पसंद आ जाए मेरे को वही सही लगता है, ऐसा कुछ नहीं है कि उस बंदे का सब कुछ पसंद है या उस बंदे की पर्सनैलिटी पसंद है, क्योंकि मैं बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदा हूँ और खुद कंटेंट शूट करता हूँ, खुद की वीडियो बनाता हूँ, तो मैं सारा खुद में ही ध्यान दे देता हूँ, मेरे को बस एक लड़की पसंद है और कोई नहीं पसंद, वही फेवरेट है भाई। लाफ्टर चैनल सर्च करो, आप भी सब कर लेना भाई, ये भाई कह रहा। तो विनोद जी पर एक फेक वेडिंग प्रैंक वीडियो बनाओ, और भाई वो समझ जाएंगे कि ये नहीं कर सकता शादी, इससे कौन करेगी। भाई बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लो, अपना जो हो रहा है वो अपना ही हो रहा है, कहीं और जाना किसी की सुनना वो मेरे को पसंद नहीं है। आपकी होने वाली नए वाइफ का नाम बताओ, मुझे पता है
कहाँ लिखा है? G for girl. कहाँ लिखा है? आपकी होने वाली वाइफ का नाम. अच्छा नाम क्या, क्या है भाई? वो तो मेरे को खुद नहीं पता. जी फॉर गर्ल. जी फॉर गर्ल. हाँ. साइंस फॉर गुड फ्रेंड. भाई गुड फ्रेंड तुम्हारा अच्छा दोस्त वही है जो माइंडसेट अच्छा रखने के लिए क्या किया जाए. भाई माइंडसेट अच्छा रखने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने माँ बाप की शक्ल देखनी चाहिए, अपने माँ बाप की शक्ल देखनी चाहिए क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ा हुआ तुम्हारे लिए. अपने भाई बहन माँ बाप, अपने माँ बाप से भी सबसे पहले तुमको रखा था. और अगर तुम वो रिटर्न नहीं कर पा रहे, तुमसे जितनी उम्मीदें हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं, तुम रोज अपने पापा को देख रहे हो मेहनत करते हुए काम करते हुए, तुम अपनी माँ को देख रहे हो टेंशन में, और तुम अयाशिया कर रहे हो, तुम सोच रहे हो कि भाई मैं इस लड़की के लिए रो लूँ, मैं उस लड़की से बात कर लूँ, मैं उनसे थोड़ी देर बैठूँ ना, और अपनी लाइफ भी तुम चिल करके जी रहे हो, तो तुम क्या ही इंसान हो. जब तुम उस स्टेज पे पहुंच जाओगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले खुश है, तुम अपने पापा के सर पे जो बर्डन है काम करने का वो कम कर दो, एकदम खत्म नहीं, उनको भी दिल लगा रखना, थोड़ा बर्डन कम कर दो, घर पे पैसे देने स्टार्ट कर दो, वो सब करो, तो ये सब दिमाग में रखो कि मेरे को उनको खुश रखना है, फिर आपका माइंडसेट बढ़िया हो जाएगा. और दूसरी बात, खुश हो आप. हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे पास दोस्त है बढ़िया. कैसी रही पार्टी? अभी करते हैं, आवाज़ रुक जा, वीडियो शूट हो रही है. क्योंकि मेरे पास दोस्त है बढ़िया, मेरे घर वाले ओके रिपोर्ट है. वो एक हमने वीडियो दिखाई थी तुम्हें कि अगर घर वाले खुश है, हेल्दी है, दोस्त अच्छे है, तो लाइफ खुश रहनी चाहिए. एक आधी चीज़ नहीं मिलती और एक आधी चीज़ मिलनी भी नहीं चाहिए. अगर वो भी सब तुम्हें मिल जाएगा ना, अफरान में आ जाओगे. अफरान नहीं चाहिए होती बंदे को. पहली इनकम देख कर कितनी खुशी हुई थी, यूट्यूब से आई थी, और मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था. भाई पहली इनकम मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरी यूट्यूब से भी 6-7 हज़ार रुपये आई थी. मेरे को बहुत खुशी हुई थी क्योंकि मैंने सबसे पहली इनकम अपनी सोशल मीडिया से ही करी और आज तक सोशल मीडिया से ही मेरी इनकम आ रही है. मैंने किसी और सोर्स से इनकम नहीं कमाई. लोग कहते हैं कि ये टेम्परेरी है, वेम्परेरी है, तो भाई टेम्परेरी हर चीज़ होती है. जिस चीज़ पर तुम दिल लगा रहे हो ना, वो टेम्परेरी नहीं होती, और नीयत साफ करके कर रहे हो वो टेम्परेरी नहीं होती, याद रखना. भाई व्लॉगिंग टिप्स दे दो. व्लॉगिंग टिप्स यार यही है, सबसे पहले तो कंसिस्टेंट रहो व्लॉग्स बनाने में, दूसरा अगर व्लॉग बना रहे हो तो कॉन्फिडेंट रहो, तीसरा अगर व्लॉग बना रहे हो तो रियल रहो, क्योंकि जितना खुद को दिखाओगे उतना लोग देखेंगे, और तुम तभी अपने आप को ज़्यादा दिखा पाओगे अगर तुम रियल हो. कैमरे पे 24 घंटे तो फेक बन नहीं सकते ना. पापा से कितना डर लगता है भाई, पापा से इतना डर लगता है कि उनके अलावा किसी से डर नहीं लगता, और उनके अलावा किसी से प्यार नहीं है. भाई डिप्रेशन का क्या करूँ, लड़की डिप्रेशन है, बातें है बस. क्यों डिप्रेशन है भाई? डिप्रेशन पता है क्या होती है? जिसकी बीवी भाग जाए. तुम्हारी अभी शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, घर वाले ओके रिपोर्ट है, पैसा कमा रहे हो, कुछ कर लोगे, पढ़ रहे हो, घर वाले पढ़ा रहे हैं, खाने को सब पढ़ा है, ये जो बाहर भिखारी घूम रहे हो वो भी डिप्रेशन में नहीं है, तो तुम क्यों हो? उनको तो ये भी नहीं पता कि कल खाना खाएंगे नहीं खाएंगे, फिर भी हंसते खेलते हैं ना, मजे लेते हो तुमसे. तुम पता नहीं क्यों डिप्रेशन में आ जाते हो छोटी छोटी बातों पे. ऑलस्टैक आपकी अपनी ब्रांड है क्या भाई? भाई ऑलस्टैक मेरी खुद की ही ब्रांड है, तो प्लीज़ वहाँ पे जाके कुछ खरीदो, प्यार दिखाओ. और नॉट अबाउट यूट्यूब, फिर से पुणे कब आ रहे हो? भाई पुणे मैं ज़रूर आऊँगा, पुणे मेरे को बहुत बढ़िया लगा, दिल्ली के बाद पुणे बढ़िया लगा. आपकी फर्स्ट गर्लफ्रेंड कौन सी एज में बनी थी? भाई मेरी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड स्कूल के बाद बनी थी, उससे पहले मेरी खाली वो बचपने वाली 2-3 दिन की गर्लफ्रेंड बनी होगी, बट जिससे मेरा 3-4-5-6-7-8 महीने चला वो खाली स्कूल के बाद ही बनी थी. ये बता दे दिल्ली गैंग में सबसे ज़्यादा बदमाशी किसने करी है? मैंने करी है भाई, बता दे. Is there someone else you like? आई थिंक आई डोंट लाइक एनी वन अब लड़की को, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जब बंदा दिल से उतर जाता है ना किसी के, तो वो वाला सीन हो गया. मीटअप का पूछ रहा है बंदा, भाई मीटअप कब कर रहे हो दिल्ली में? भाई मीटअप तो 1 मिलियन पे ही रखेंगे, मिलियन करवाओ फटाफट. यूट्यूब पे कि इस पे? यूट्यूब पे, कहीं पे भी, कहीं पे भी 1 मिलियन होंगे. हाउ लॉन्ग यू विल लव दैट गर्ल? भाई सच बताऊँ तो मेरे को किसी लड़की से प्यार नहीं है, सिर्फ अपनी माँ बहन के अलावा. मेरी लाइफ में कोई भी लवर ववर वाली लड़की नहीं है अभी, मैं बिल्कुल सिंगल हूँ. कोई अच्छी सी लड़की देख रही है घरेलू, हाथ जोड़ के वेलकम है आपका, आके मेरे को सुधार दो जो मैं बिगड़ा हुआ हूँ. अब भाई आप फ्यूचर में क्या क्या अचीव करना चाहते हो? भाई फ्यूचर में मैं सबसे पहले जाता हूँ, एक घर हो मेरा बहुत बढ़िया, मैं अपनी बहन की और अपने भाई की बहुत बढ़िया शादी करवाऊँ अच्छे घर पे और अच्छी धूमधाम से. दूसरा उसके बाद अच्छे पैसे कमाऊँ, अच्छी गाड़ी मैं खुद के लिए ले लूँ, बट वो बाद की बातें हैं. मम्मी डैडी को ऐश कराऊँ, यही सपने हैं मेरे. अपनी बातें तो बाद में आती है ना, एज अ लड़का खुद को बंदा बाद में ही रखता है. हु इज़ योर क्रश?
क्रश यार, अब उसके बारे में बातें करनी बंद। एक बार इयर रिंग दिखा दो उतार के भाई, ये ऐसे उतारूंगा नहीं यार, गोल्ड की है, उतार के फिर पहननी दिक्कत होती है। नोएडा मीटअप भाई, एक ही मीटअप रखेंगे, दिल्ली नोएडा गुड़गांव का पास में ही तो है सब। और कोई मिनट का होगा भाई, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर्स हैं? 5, 6, ठीक है, 3 हम भाई बहन, एक मेरी बहन है, 2 भाई हम, और मम्मी डैडी ब्रूजो और मेरी दादी, अच्छा 7 भाई। अपनी गैंग में शामिल कर लो भाई, जो जो हमारी वीडियो देखता है ऑलरेडी हमारी गैंग में है सारे। भाई लैला का नंबर दे दो, फर्स्ट कॉपी कपड़े चाहिए होलसेल में, नंबर दे दो लैला अपना। भाई मस्कुलिन और मैच्योर कैसे बने? भाई धीरे धीरे सब हो जाएंगे यार, क्यों टेंशन लेते हो? भाई लैला की कोई गर्लफ्रेंड है क्या बताओ? लास्ट टाइम सेक्स कब किया था? भाई इतना पर्सनल भी मत हुआ करो, मान लिया पर्सनल लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी है, बट ये सब थोड़ी ना। 2 लाइन नहीं, हाउ टू रिमूव टैनिंग, फुल कपड़े पहनने लग जाओ, इनकम फ्रॉम यूट्यूब। भाई ऐसे तो बोल नहीं सकता, बट जिस गाड़ी में बैठूं, ये वाली गाड़ी हर महीने ले सकते हैं, बाकी चलो बहुत हो गया, 19 मिनट ओके गाइस, ये था मेरा Q&A। जा रहे हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय। हाँ थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी ना चाटी थी।